पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देशानुसार अंबाला पुलिस द्वारा नशा तस्करी को रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान थाना महेश नगर क्षेत्र नजदीक केडी अस्पताल महेश नगर अंबाला छावनी से नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में सीआईए 2 के पुलिस दल ने उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी विपिन उर्फ सोनू निवासी रामनगर पठानपुर मोहल्ला जिला सहारनपुर यूपी को 2880 प्रोक्सोवेन नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार कर थाना महेश नगर में मामला दर्ज किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। सीआईए 2 के थाना इंचार्ज ने बताया कि सीआईए 2 अंबाला के पुलिस दल को सूचना मिली थी कि आरोपी नशीली दवाइयों की तस्करी का कार्य करता है। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए 2 के पुलिस दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना महेश नगर क्षेत्र नजदीक केडी अस्पताल महेश नगर अंबाला छावनी के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग करते समय आरोपी की तलाशी लेने पर उसके थैले से 2880 वजन 2 किलो 293 ग्राम नशीले कैप्सूल बरामद हुए। उन्होंने बताया कि आरोपी को नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार कर थाना महेश नगर में मामला दर्ज किया गया और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसको रिमांड पर लिया गया और आगे की तफ्तीश की जा सके। उन्होंने कहा कि रिमांड के दौरान ये पूछताछ की जाएगी कि ये कैप्सूल उसने कहां से खरीदे और उसे कहां पर बेचता था। देखिए, अंबाला पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं और जो नशे काम कर रहे हैं उनको अपने अरेस्ट करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इस श्रृंखला में हमने कल लड़का है विपिन, सहारनपुर का रहने वाला है वो, और वो कैप्सूल सप्लाई करता है नगर में और अंबाला में। तो उस दिन भी वो कैप्सूल बैग में लेकर आ रहा था और हमने उसको मशवरा पड़ा था, उसके पास से 28 कैप्सूल बरामद हुए थे और अभी रिमांड में हमारे पास है। वो कहाँ से लेकर आ रहा था, वो किसका बेचा, वो अभी हमने पता करना है, उसमें लगे। खबर नामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुलकर की रिपोर्ट।